हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपना मार्कशीट बीटेक डिप्लोमा या बी फार्मेसी का या फिर दोस्तों आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स का, दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप आरजीपीवी के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट आता है उसके किसी भी कोर्स का आप दोस्तों मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। आप देख रहे हैं RRJEE कुशवाहा यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा अपने मोबाइल फोन में, या लैपटॉप से सर्च करना है तो लैपटॉप में दोस्तों rgpb.ac.in इस साइट जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपको इनरोलमेंट के टाइम में आपका रोल नंबर यानी कि दोस्तों इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपको मिला होगा। उस इनरोलमेंट का आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पर जाना है, स्टूडेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ से फिल कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लीजिएगा, हम ऑलरेडी पहले सेव किए हुए थे। और दोस्तों यहाँ पे अपना ये कैप्चा जो दिखा रहा है ये आपको फिल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना कैप्चा फिल यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम कैप्चा फिल करके हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे तो आपके सामने में दोस्तों यहाँ पे देखिए हम कैप्चा फिल कर ही रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है दोस्तों। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर लेते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा फिल करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको भी आ सकती है, इसलिए घबराए नहीं। और दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से कैप्चा फिल कर लेंगे लैपटॉप में। और दोस्तों जैसे ही कैप्चा फिल हो जाएगा आप सबमिट साइन इन करेंगे तो आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों तो आपके सामने में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली जाना है डिजिटल लॉकर में। ये वाले डिजिटल लॉकर में आप जैसे ही जाएंगे तो दोस्तों आपके सामने में इस तरह से दिखने लग जाएगा सभी सेमेस्टर का मार्कशीट। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, देखना कैसे है, कैसे व्यू करना है, तो यहाँ से जैसे मान के चलिए हमको सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट देखना है तो यहाँ से क्लिक कर लेना है। आप हो सकता है दोस्तों देखने में आपको दिक्कत आई हो तो हम आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला ऑप्शन जो रहा है, इस ऑप्शन में जो भी सेमेस्टर का आपको मार्कशीट देखना है यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे करेंगे दोस्तों तो आपके सामने में ये मार्कशीट खुल जाएगा, दिखने लग जाएगा। और आप लैपटॉप से अगर ओपन किए हैं तो आप सिंपली इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, या मोबाइल से किए हैं तो इसको दोस्तों आप इजीली डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में। और दोस्तों आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड यहाँ से, सॉरी दोस्तों मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसको प्रिंट आउट भी करा के आप काफ़ी सारे काम में भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अपना एडमिट कार्ड वगैरह भी यहाँ से काफ़ी व्यू रिपोर्ट में जा करके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, एडमिट कार्ड यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म भी आसानी से मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यू में जाएंगे तो एडमिट कार्ड यहाँ से आपको दिखने लग जाएगा। देखिए एडमिट कार्ड आपको खुल जाएगा कुछ इस तरह से, तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।